हाय माय यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हो? और आज से दो चार दिन पहले की ये न्यूज़ चल रही है भाई, बहुत ख़तरनाक न्यूज़ है कि सहारनपुर में एक पति ने ज्वेलरी वाला था, वो उसकी ज्वेलरी की शॉप थी, और उसने भाई अपनी बीबी के साथ मिलकर अपने आप को ही ख़त्म कर दिया। हरिद्वार में उन्होंने डुबकी मार दी और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, अपने बच्चे दे दिए नानी औरों को। और भाई उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद वो आए, ये रिपोर्टर वगैरह कोई आया ना, तो कर्जे वाली औरतें आ रखी थी, उनके घर में ताला लग रखा था। तो उन्होंने पूछा कि भाई, हाँ, उन्होंने एक लेडीज़ ने बोला कि भाई हमारे भी देने हैं 40,000 रुपये। मर गया तो क्या हुआ? कह रही मर गया तो क्या हुआ, घर तो है, उसके भाई से लेंगे। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ यार, किसी पे भी अगर कर्जा चढ़ा हुआ, पहले तो बहुत चढ़ जाता है कर्जा भाई, उलझ जाता है इंसान, उलझ जाता है सही करने के चक्कर में, एकदम ऐसे उलझ जाता है, पर मरना डिसीजन नहीं है यार। और क्या कहते, क्या हुआ कर्जा, वो थोड़ी हुआ कर्जा, किसी औरत ने माफ़ नहीं करा। वो कह रही है कि हम भी गरीब आदमी, हमने उन्हें कर्जा दिया। तो भाई बहुत गलत लगा सुन के कि कोई इंसान तो मर गया अपने बच्चों को छोड़ के, और कर्जे वाला तुम्हारा कर्जा माफ़ नहीं करेंगे। तो मरने की यार मत सोचो, कितने जवान नव युवक थे वो, नौजवान जोड़ा था।